हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसका आज का चैप्टर है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, जिसका समय सीमा है 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी। तो इसके पहले भी इसके जो चैप्टर हैं उसका वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो अभी तक आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग 185 ईस्वी पूर्व में, और पुष्यमित्र सुंग थे जो मौर्य सेना का सेनापति थे और इन्होंने ही बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। सुंग वंश था, उसका शासन चला था 112 वर्ष तक, सुंग वंश का शासन चला था। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो यह था सेनापति। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कनव वंश का संस्थापक कौन था? तो कनव वंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व देवभूति जो कि सुंग वंश का अंतिम शासक थे, देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया। फोर्थ नंबर देखेंगे, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक्त। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। पुराणों के अनुसार यह कन्नव वंश का अंतिम शासक यानी कि सुशर्मा, कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार अधिपत किया था। वो कौन था? शिमुक। कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मार करके यह मगध का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइव नंबर, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मौर्यों के अधीन। सिक्स नंबर, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वह महान नेता था कनिष्क। सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण राजवंश के भारत का एक महान सम्राट था और वह अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विख्यात था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कनिष्क। आगे देखेंगे सेवन नंबर, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है इंडो ग्रीक यानी कि भारत यूनानी। इंडो ग्रीक यानी भारत यूनानी का विकास सर्वाधिक कुषाणों के समय में ही हुआ था और इसका केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र था गंधार। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किया गया था ऐसा माना जाता है। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। आगे देखेंगे एट नंबर, कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर जो कि वर्तमान पेशावर है। नाइन नंबर, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर दूसरा नाम है पेशावर का। टेन नंबर देखेंगे, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे, कनिष्क के वैद्य थे, राज वैद्य थे चरक। और चरक द्वारा रचित पुस्तक है, क्या है रचित? चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक द्वारा ही रचित है चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। आगे देखेंगे ग्यारह नंबर, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था?
तो इसका प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। गंधार कला वहीं विकसित हुआ था, तक्षशिला में ही। 12 नंबर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन, बी ऑप्शन सही होगा, इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले चलाई थी। 13 नंबर, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो अधिक मात्रा में है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह, यह है मथुरा का संग्रहालय, ऑप्शन मथुरा संग्रहालय। 14 नंबर, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का चलाए थे वो थे कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। आगे देखेंगे 15 नंबर, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहन के समय में कौन सी मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो वो थी शीशा। शीशा का सिक्का चलाने वाला पहला वंश था वो था सातवाहन, और वह शीशा कहाँ से लाते थे? तो वह रोम से लाया करते थे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो नागार्जुन, चरक ऑप्शन में नहीं है, तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र एक कनिष्क के समकालीन थे। इसमें जो नागार्जुन और चरक थे वो कनिष्क के राज्यसभा के रत्न थे, और वसुमित्र और अश्वघोष जो थे वह बौद्ध दार्शनिक थे। और कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडन वन में, उस संगीति की यानी चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी वसुमित्र किए थे, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे एवं उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। तो ये तीनों कनिष्क के समकालीन हैं। आगे देखेंगे 17 नंबर, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो यह प्रथा आरंभ की थी सातवाहन ने, और यह सातवाहन था जो आंध्र प्रदेश का वंश था। यहाँ का जो राजा थे खुद भी ब्राह्मण जाति से आते थे, तो इन्होंने ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त देने की प्रथा प्रारंभ किया था। आगे देखेंगे 18 नंबर, भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया गया था, पर्दा प्रथा का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा जिसका सही आंसर यूनानियों के द्वारा। 19 नंबर, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो रेशम मार्ग का आरंभ कराया गया था कनिष्क के द्वारा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो यह थी कुषाण शासकों ने। 21 नंबर, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये अभी हमने देखा ये कनिष्क के दरबार में थे, और कनिष्क के दरबार में क्या थे? राज्यसभा के रत्न थे चरक और नागार्जुन दोनों ही। 22 नंबर, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का शुरुआत हुआ था, और शक संवत पर ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, और शक राज्यों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समाप्त कर दिया था। आगे देखेंगे 23 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल, ऑप्शन नंबर सी खारवेल था। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका क्या नाम था अभिलेख का? हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल का एक लंबा अभिलेख मिला है जिसे हम खारवेल का जीवन का
उसी अभिलेख के आधार पे खारवेल का जीवन का परिचय मिलता है। तो खारवेल का जीवन का परिचय किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विस्तार जो था वो वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। 26 नंबर, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो अपना शासन शुरू किया था या महाराष्ट्र में। सातवाहन के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक, जिनका शासनकाल 23 वर्षों तक रहा था और केंद्र था महाराष्ट्र का, मतलब इनका केंद्र था सातवाहन वंश का महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में, और इसे आंध्र सातवाहन राज भी कहा जाता था। आगे देखेंगे 27 नंबर, सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हमने देखा इसकी राजधानी थी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या पैठन। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह कौन सा अभिलेख संबंधित है? ए ऑप्शन, हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। 29 नंबर, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये कौन थे? हाल, यानी इनका दूसरा नाम भी है शालीवाहन। 30 नंबर, सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा थी? तो इनकी राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। 31 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों की सही कालक्रम क्या है? तो इनमें से सबसे पहले हो जाएगा वो होगा शुंग, थर्ड नंबर शुंग 75 ईस्वी पूर्व, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा गुप्त 275 ईस्वी, और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, और शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग। तीसरे नंबर पे हो जाएगा सातवाहन, फिर से इसे देख लीजिए शुंग वंश, शुंग वंश 178 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व, दूसरे नंबर पे सातवाहन 60 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी पूर्व, तीसरे नंबर पे हो जाएगा गुप्त 275 ईस्वी, इसकी स्थापना श्री गुप्त किए थे, और चौथे नंबर पे हो जाएगा चोल जो कि 9वीं से 12वीं सदी तक चला था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी नंबर, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और चोल। आगे देखेंगे 32 नंबर, मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे वो थे बैक्ट्रियन या ग्रीक। 33 नंबर, इसमें सुमेलित करना है, इधर शासक का नाम है सूची 1 में और सूची 2 में है उपाधि, तो इसका है अशोक, अशोक को प्रियदर्शी उपाधि मिला था, कनिष्क, कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था, खारवेल, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त वो थे महेंद्रदित्य। इस तरह से एक ये हो जाएगा इसका सही आंसर डी नंबर सही आंसर होगा। ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। आगे देखेंगे 34 नंबर, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, और किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वह था विक्रमादित्य के द्वारा। आगे देखेंगे 35 नंबर, 35 में सूची 1 सूची 2 से मैच कराना है, तो ये हो जाएगा विक्रम संवत ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 37 नंबर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई?
इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। 38 नंबर, कुषाण वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कुषाण वंश के बाद क्या था, कन्नव वंश भारत में राज किया था। सुंग के जो अंतिम शासक थे देवभूति की हत्या इनके मंत्री वसुदेव ने कर दी थी, उसके बाद नए राज की जो स्थापना की थी वो था कन्नव वंश। आगे देखेंगे 39 नंबर, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो था पेन चाओ। आगे देखेंगे 40 नंबर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो सर्वाधिक मात्रा में तांबे का सिक्का जारी किया था वो था कुषाण ने। कुषाण के समय में सोना, चांदी, तांबा, सीसा और कासारपन नाम से सिक्का बनता था, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया था कुषाण के द्वारा, सबसे बड़ी मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया गया था, लेकिन वो लोग अपने दैनिक जीवन में या तो फिर व्यापार करने में तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे। तो तांबे का सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया था, वो था कुषाण के द्वारा। आगे देखेंगे 41 नंबर, कथन ए है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इस तरह से सही आंसर होगा सी नंबर। 42 नंबर, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो भारतीय और ग्रीक का जो मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। आगे देखेंगे 43 नंबर, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो वो था महायान, महायान शाखा का अनुयायी था। मध्य एशिया के साथ भारत का घनिष्ठम संबंध कुषाण काल में ही स्थापित हुआ था और इसी समय महायान बौद्ध धर्म का प्रचारक अपने देश तथा धर्म ग्रंथों के साथ पहुंचे थे, मतलब जब कुषाण काल था उसी समय महायान बौद्ध धर्म के प्रचारक अपने संदेश के साथ और धर्म ग्रंथों के साथ वहां पहुंचे थे। आगे देखेंगे 44 नंबर, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी कि इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। 45 नंबर, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो यह समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पुष्यमित्र शुंग। आगे देखेंगे 46 नंबर, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो था शक राजा रुद्रदामन द्वारा। रुद्रदामन थे, इन्होंने ही गिरनार में, यानी गिरनार कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो सेंट थॉमस भारत आया था वो था गोंदोफिनर्स, ऑप्शन नंबर सी इनके समय में भारत आया था। 48 नंबर, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ते थे भीम कडफिशस, ऑप्शन नंबर डी, भीम कडफिशस सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। यह कुषाण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में इनके द्वारा कुषाण का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो वो था शकों ने। 50 नंबर, त्रातार यानी कि मुक्तदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो वो थे शक। 51 नंबर, प्राचीन भारत
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो वे थे यूनानी, शक और कुषाण। 52 नंबर, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने लाया था? तो वो थे ग्रीक या यूनानी, ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता है। सिकंदर जो थे अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखते थे, तो सबसे पहले लाया गया था यूनानियों द्वारा यानी ग्रीकों द्वारा। आगे देखेंगे 53 नंबर, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था, तो वो था बैक्ट्रिया। 54 नंबर, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था काशार्पण। यह एक प्राचीन भारतीय सिक्का था, काशार्पण जो था वो प्राचीन भारतीय एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ सर्वप्रथम तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। आगे देखेंगे 56 नंबर, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसमें प्रमुख बंदरगाह जो उस टाइम थे उसमें कोचीन नहीं था, यानी कि ये असत्य है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो वो था अरिका मिंडो। आगे देखेंगे 58 नंबर, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की? तो यह किया था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो थे वो अपने शासन काल में भारतीय संस्कृति की भाषा, वेशभूषा, शासन प्रणाली एवं हिंदू के और बौद्ध धर्म के कई तत्वों को अपनाया था। मतलब भारतीय संस्कृति के वेशभाषा के साथ साथ इनके बौद्ध धर्म के तत्वों को भी अपनाया था अपने शासनकाल में। आगे देखेंगे 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्थ में अपने पुत्र के हाथों में शता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो ये कौन थे? मिनांडर। अपने पुत्र के हाथों में शता सौंप दिया और वह बौद्ध भिक्षु हो गए। इंडो यूनानी शासकों में यह एक यानी कि मिनांडर का नाम प्रसिद्ध है इंडो यूनानी शासक में, और मिनांडर जो थे या डेमेट्रियस के साथ ही भारत में जो युद्ध होता था उसमें ये भाग लेते थे, यानी कि डेमेट्रियस और मिनांडर दोनों भारत से साथ में मिलकर युद्ध करते थे। 60 नंबर, कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो कुषाण वंश है वो चीन से ही यूची लोगों का मूल मानते हैं, यानी कि चीन से जो यूची जनजाति के लोग आए थे उन्हीं लोगों का कुषाण वंश का मूल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? वो था अश्वघोष। अश्वघोष एक बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे, और बुद्ध चरितम इनकी, अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, सूची वन को सूची टू से मैच कराना है, ते होगा इंडो ग्रीक, हिंदी यवन, शक, सिथियन और पार्थव पहलव। इस तरह इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 63 नंबर, सूची वन में राज्य है और सूची टू में राजधानी है, तो ये है सुंग। सुंग की राजधानी थी विदिशा, चेदी की कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर।
तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 64 नंबर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो यह की थी कुषाण, कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। 65 नंबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो यह बहरहूत का स्तूप, बिल्कुल सही है, कुषाण काल में हुआ, शुंग काल में हुआ है। साची स्तूप, भांजा स्तूप, इस तरह से तीनों का निर्माण शुंग काल में हुआ है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होंगे। 66 नंबर। शातवाहन नरेश हाल के समकालीन जूनागढ़ के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो यह रचना की थी बृहत कथा। जूनागढ़ के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो यह था बृहत कथा। 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी सही है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, यानी कि केवल तीसरा सही है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 68 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह कौन से अभिलेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखेंगे 69 नंबर। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्का चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्का चलाए वो थे कुषाण। शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो शुद्ध सिक्का किन के द्वारा चलाया गया था? तो कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। आगे देखेंगे 70 नंबर। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ और खारवेल की जानकारी हाथी गुम्भा के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। तो इस तरह से आज का चैप्टर जो था मौर्योत्तर का समाप्त हो गए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।